आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एडमिशन 2022 से संबंधित एक नया अपडेट आपका आ चुका है। अब ये क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी से संबंधित ये अपडेट है। चाहे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हैं या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं या पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्यारे साथियों, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट SOL से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन कब से शुरू होंगे, क्योंकि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो उस वीडियो को एक बार आप जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो जी ये है आज का विशेष अपडेट, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि SOL में दाखिला प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। तो कल भी मैंने बताया था और अब आप देख सकते हैं कि ये अब जो है न्यूज़ से भी अपडेट आप सभी के लिए मिल चुका है। तो आपकी प्रक्रिया जो है वो अगस्त से ही होगी। कल मैंने वीडियो बनाया भी था और आप यहाँ से देख सकते हैं कि DU नियमों में बदलाव से प्रवेश प्रक्रिया लंबी चलने की क्या है आपकी संभावना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये साफ बात कर दी गई है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL में दाखिले के इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। दाखिला प्रक्रिया अगस्त के मध्य में शुरू हो सकती है। नियमों के बदलाव की वजह से इस बार दाखिला प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है। प्रशासन दाखिले शुरू करने के लिए 3 अगस्त की अकादमिक परिषद की होने वाली बैठक का इंतजार कर रहा है और इसमें 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के पाठ्यक्रम और ढांचे को रखा जाना है। इसके बाद पाठ्यक्रम और ढांचे को कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। SOL के प्रिंसिपल और OSD डॉक्टर उमाशंकर पांडे ने बताया कि अकादमिक परिषद यानी कि AC की बैठक में नए सिलेबस और उसके ढांचे को मंजूरी के बाद दाखिले जो हैं आपके शुरू किए जाएंगे। यदि सब ठीक रहा तो अगस्त के मध्य से प्रक्रिया क्या है आपकी शुरू हो सकती है। तो इस बार DU में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स ही लागू होने जा रहे हैं। इसे अकादमिक काउंसिलिंग की मंजूरी जरूरी है। दाखिले शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को कोर्स व ढांचे का पता होना चाहिए। वहीं तब तक डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से 7 नए कोर्सेज की मंजूरी भी मिल जाएगी। इस बार न्यू कॉलेजों में स्नातक स्तर के दाखिले CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से हो रहे हैं, जबकि SOL में दाखिले एंट्रेंस से नहीं होने। तो मैंने कल भी बताया था आपको एंट्रेंस से नहीं होने, लेकिन विचार किया जा रहा है कि क्या 4 वर्ष की जो है यहाँ पर ये जो है लागू होनी चाहिए SOL में भी। तो जी ये कोई भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको बताता रहूँगा। तो 4 वर्ष की जो है इसके बारे में जो है पता लगेगा जब अकादमिक इनकी एक मीटिंग हो जाएगी, उसमें जो भी निर्णय आएगा। तो आप बने रहिए चैनल पर, फिलहाल अभी 3 वर्ष के लिए ही आपको रहना है। लेकिन आप सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जब से इसे 4 ईयर की ग्रेजुएशन भी बताया जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो। कोई भी डाउट एवं सुझाव है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए।